आज पाइथन के चिल्ले का पहला दिन है और आज पहले दिन में हम देखेंगे कि पाइथन होता क्या है पाइथन के इस चिल्ला में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और ये कोर्स के कंटेंट क्या हैं, प्लस आप कौन कौन सी स्किल्स सीखेंगे इस पाइथन के चिल्ला के कोर्स के अंदर क्लास टाइम क्या है कहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जूम लिंक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है आपके पास किस तरीके से अवेलेबल की जाएंगी ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्लस आपको फिर टास्क भी दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपने लेक्चर को सुनने के बाद प्रैक्टिस करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है तो अगेन आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने ये वाला स्टेप जो है मेरे साथ उसको पार कर लिया वो कहते हैं ना स्टेज पार कर ली है तो वही काम यहाँ पे हुआ है आपने एक स्टेज पार कर रही है, अब दूसरी स्टेज की तरफ चलते हैं मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस पाइथन के चिल्ला में हम क्या क्या देखने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये स्क्रीन अभी आपके सामने आ रही है इस पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है इसका नाम है पाइथन का चिल्ला फॉर डेटा साइंस और ये बाबा मार के साथ मीन्स के मेरे साथ मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफेल है और पाइथन का चिल्ला डेटा साइंस कंप्लीट कोर्स है और जो दो, दो के अंदर हम इसको कर रहे हैं ठीक है इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जो मेन चीजें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा और मेन चीजों के अंदर जो जो चीजें आप देखेंगे इन वो यू विल सी कि आने वाले दिनों के अंदर हम वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कवर करेंगे ठीक है सो लेट्स सी कौन कौन सी मेन चीजें सबसे पहली चीज ये है कि इस कोर्स के अंदर आपके पास जो कंटेंट होगा वो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो पीसी को हम चलाना सीखेंगे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पीसी को ऑन करना नहीं आता लेकिन आई एम श्योर कि उन्हें ये भी आ जाता है जब उनका अपना पीसी हो आपको पता है पावर बटन और ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये एप्सल्यूट बिगिनर पाइथन का चिल्ला है सेकेंड आप क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे पाइथन एंड अदर प्रोग्राम्स को फॉर द कोर्स एंड देन वी विल ऑल्सो टीच यू मेनी अदर थिंग्स लाइक राइटिंग योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड विद अस बेसिंग पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं आती नो वरीज वी विल ट इज डेटा यह हम देखेंगे एंड हाउ टू हैंडल लार्ज डेटा यह भी हम देखेंगे डेटा साइंस की बेसिक्स क्या है और डेटा एनालिटिक्स की बेसिक्स क्या है यह भी हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एंड देन वी विल ऑल्सो सी के पाइथॉन फॉर डेटा साइंस जो है वो किस तरीके से आप जो है वो अमल में लेके आ सकते हैं एंड देन बेसिक टू इंटरमीडियट ऑफ डिफरेंट पाइथोन की लाइब्रेरीज जिसमें पांडास नंपाई मैट्लॉड लेन इन द सेकंड कंटेंट जो है उनके अंदर हम डिफरेंट अदर लाइब्रेरीज को भी देखेंगे फिर हम बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस देखेंगे इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक बुक भी लिखी हुई है जिसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे और हम स्टेटिस्टिक्स को भी समझेंगे फिर हम लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे पाइथॉन के अंदर डेटा साइंस के साथ कैसे बनाई जाती है पब्लिक डेटा साइट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं एंड देन गिटहब क्या होती है फिर बेसिक्स टू एडवांस मार्कडाउन फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्री रिसोर्सेज आप क्रैप कर सकते हैं फ्रॉम गिटहब हब एंड देन बेसिक्स टू एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन हम देखेंगे मशीन लर्निंग देखेंगे डीप लर्निंग देखेंगे यही नहीं अभी और सुनिए टेंसरफ्लो फ्लो पाइटॉर्च ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम एलगोरे उन्हें यूज़ करेंगे कंप्यूटर विजन को डिटेल में पढ़ेंगे पिछले चिल्लों के अंदर मैंने कम पढ़ाया इस दफा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम सीखेंगे डिप्लॉयमेंट सीखेंगे उसकी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखेंगे यूजिंग पाइथन बेसिक टू इंटरमीडिएट टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस करेंगे जो पिछले कोर्स के अंदर बहुत ही कम बताई गई है यहाँ पे एक्सटेंसिवली होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिस यानी कि एन हम सीखेंगे और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर अच्छा खासा हमारा फोकस होगा बेस्ड ऑन द टारगेट जो हम काम करने वाले हैं अभी जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम फाइन ट्यून करेंगे हर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल है लेकिन आप अपने डेटा पे कैसे यूज कर सकते हैं देन रैग बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे जो इस वक्त का हॉट टॉपिक है जिसके अंदर आप अपना डेटा देते हैं और उस डेटा के ऊपर आपके पास रैग बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि आप रैग के बेस पे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बेस पे डेटा को बनाते हैं लैंग चेन को हम मास्टर करेंगे जी आई एस डेटा यानी कि हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है किसी भी कोर्स में सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू और इसमें हम मैप्स बनाएंगे जियो की लाइब्रेरीज देखेंगे देर आर मेनी अदर लाइब्रेरीज जिनको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं देन वी विल ऑल्सो डू दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बिल्डिंग योर लिंक एंड गेट प्रोफाइल इसको हम देखेंगे एंड देन वी विल सी मेनी अदर थिंग्स इन दिस कोर्स ठीक है जिसमें आपकी मार्केट आपने कैसे करना है स्किल्स को पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट कैसे करनी है हाउ टू अर्न मनी आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस कोर्स ऑफ कोर्स आप इन पैथुन के चिल्ला के बाद ना लाखों नहीं कमाने लग जाएंगे अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ से कोर्स करूंगा दूसरी साइड पे जाऊँगा और मेरी जेब में लाख रुपये आ जाएगा भाई मैजिक नहीं है आपने 16 साल मेहनत की 18 साल मेहनत की अभी तक अगर आप नहीं कमा पा रहे 16-18 साल की मेहनत के बाद सो देर इज समथिंग लैकिंग बिहाइंड यहाँ पे हम आपको स्किल सिखाएंगे को कोई गिद्दड़ नहीं मैं आपके हवाले करने वाला ये येले पकड़ें और जाके एक कमाने लग जाए लेकिन आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फील्ड के अंदर एंड देन यू कैन अर्न अ लॉट कैसे मैं ट्रिक्स जरूर बताऊंगा बट दी एंड जाहिर बात है अर्निंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए होती है देर आर मेनी अदर थिंग्स जो रिक्वायर होती हैं एंड देन देर आर सम सम्राइजेज एंड हिन रिसोर्सेज जो आपको साथ साथ पता चल जाएंगे ये है जी कोर्स कॉन्टेंट जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल भी होगा और आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से जो है वो कोर्स कॉन्टेंट जो है हमारा चलता है आई नो देर आर मैनी पीपल जिनको लगता है कि ये कोर्स कॉन्टेंट जो है ये बहुत ही हैवी है और किस तरीके से 40 दिन के अंदर करेंगे तो मेरा एक मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए किसी चीज़ की जो हिम्मत करने के लिए जो हिम्मत है उसको वो अल्दाल आपको हता करता है तो आप अगर मेहनत करते जाएंगे मेरे साथ कितनी मेहनत कैसे मेहनत उसके बारे में मैं बताता हूँ तो आप ये कोर्स मेरे साथ इंशाल्लाह कंप्लीट कर पाएंगे कहाँ से कहाँ तक ये भी आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं और इन शाह इन सारे के सारे कंटेंट को हम कवर करने वाले हैं।